केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को लेकर कार्यकाल की अवधि को लेकर राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश किया है और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य समिति करेगी, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमले कर रहा है। इस बिल के विरोध में ममता बनर्जी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा छेड़ा है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य पैनल में CGI की भूमिका होना महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयोग के चयन में CGI की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। CGI को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना BJP की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं कि माय लॉर्ड हमारे देश को बचाइए। आपको बता दें कि इस विधेयक से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास आ जाएगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।